हाय फ्रेंड्स, मैं प्रद्युम्न ग्वालियर से हूं और ये डिक्टेशन आप ANS स्टूडियो पर सुन रहे हैं। और चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको डेली डिक्टेशन मिलता रहेगा। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी पक्ष की कोई भी सरकार प्रांत में हो, उनके साथ बातचीत करने में या उनके सुझाव मंगाने में या उनको सुझाव देने में और एक प्रकार से काम उनकी तरफ से हो, हमें यह बताने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसका कारण यह है कि बड़ी खुशकिस्मती है कि प्रांतों की सारी सरकारों ने सही रवैया इसके संबंध में अपनाया हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह बहुत अच्छा है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। यहाँ कभी कभी हम सुनते हैं सम्माननीय सदस्य उठकर लोगों पर टीका टिप्पणी करते हैं, नाराज़गी व्यक्त करते हैं, कड़ी जवान में हम पर वार करते हैं, मगर उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात कभी नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। यह जानने के बाद वे समझते हैं कि किस मर्यादा में काम किया जा रहा है, कहाँ तक मांगें की जाएं और किस प्रकार से जो कुछ किया गया है उसकी ओर देखा जाए। इसीलिए सारे प्रांतों की सरकारों की वजह से हमें कोई शिकायत नहीं आई, मगर कुछ सम्माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं, उनकी तरफ से हमें शिकायतें ज़रूर सुनने को मिली हैं। कभी कभी बड़ी तीखी भाषा में शिकायतें सुनने को मिली हैं। उनका जो कर्तव्य है वे करते हैं, उसके लिए हमें नाराज़ नहीं होना है और हम नाराज़ होकर काम नहीं कर सकते हैं। यह काम और अच्छा हो इसके लिए एक सरकारिया कमीशन पहले बैठाया गया था। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट बहुत अच्छी थी और उसकी बहुत सारी सिफारिशों पर कार्रवाई करके उन पर अमल भी किया गया। यह मांग हो रही थी कि और भी इस दृष्टि से इस पर विचार होना चाहिए, इसकी और गहराई में जाना चाहिए और समझना चाहिए कि जितना हम कर रहे हैं उससे अच्छा क्या कर सकते हैं। इसके लिए सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए एक नया कमीशन अपॉइंट किया गया है और उस कमीशन की तरफ से रिपोर्ट आ जाएगी। किसी सम्माननीय सदस्य ने पूछा कि रिपोर्ट जल्दी क्यों नहीं आती। यह ऐसा काम नहीं है कि इसकी रिपोर्ट जल्दी से आपके हाथ में आ जाएगी। सरकारिया कमीशन को भी बहुत दिन काम करना पड़ा था, इसके बारे में भी काम करना पड़ेगा। यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी। प्रांत में जो लोग काम करते हैं उनके साथ भी चर्चा करेंगे। बाहर के लोग इस बारे में क्या समझते हैं इस पर चर्चा करेंगे और जिन्हें संविधान की अच्छी तरह से जानकारी है वे लोग किस प्रकार से इस मामले में सोचते हैं उनसे चर्चा करनी पड़ेगी और उसके आधार पर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वह रिपोर्ट आएगी तो उसके ऊपर ज़रूर विचार किया जाएगा। सेंटर स्टेट के रिलेशन अच्छे होने के लिए और कार्यवाही करने के लिए एक डेवलपमेंट काउंसिल हमारे पास बनाई हुई है जो पंडित जवाहरलाल जी ने बनाई थी और दूसरी उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाई थी। बहुत सारी दूसरी कमेटियां हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी रीजनल चीफ मिनिस्टर्स की चर्चाएं होती हैं। गृह मंत्री अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां के मुख्यमंत्री से चर्चा करते हैं। जो सवाल हैं वे किस प्रकार से हल किए जा सकते हैं, कहां अड़चनें आ रही हैं इस पर चर्चा करते हैं। मुझे बड़ी नम्रता से सदन के सामने कहना है कि यह हिस्सा मेरी दृष्टि से गृह मंत्रालय का बहुत ही
महत्वपूर्ण दायित्व है। इस दायित्व में अगर कोई गलती हो जाए तो शायद गृह मंत्रालय का काम ठीक से हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर इसमें यश प्राप्त हो, कामयाबी मिल जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह काम आसानी से हुआ है।